प्यार के महीने में प्रमोद ज्वेलर्स लुटा रहे हैं प्यार बेशुमार। दे रहे हैं शगुन कलेक्शन का एक खूबसूरत तोहफा। हर 30,000 रुपए की खरीद पर पाइए एक लकी ड्रॉ कूपन। पाइए वेस्पा स्कूटर जीतने का मौका और भी कई सारे आकर्षक इनाम। प्रमोद ज्वेलर्स एंड गिफ्ट सेंटर, पारधी नगर, हिंगना रोड, नागपुर। यशोधरा नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली ऑटोमोटिव चौक से मुलाजी बिरयानी के समीप प्रधानमंत्री आवास योजना के आगे वाले रोड पर एक अवैध सुगंधित तंबाकू से भरा ट्रक पकड़ा गया है। यहां से लाखों का अवैध माल बरामद किया गया है। दरअसल दिनांक 26 फरवरी को दोपहर 2:10 के दौरान एक टाटा एस वाहन यशोधरा नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली ऑटोमोटिव चौक से मुलाजी बिरयानी के समीप प्रधानमंत्री आवास योजना के आगे वाले रोड से गुजर रहा था। उसी दौरान रास्ते पर गश्त कर रही यशोधरा नगर पुलिस की टीम ने उसे रुकने के लिए बोला, किंतु वाहन चालक ने वाहन रोकने से आनाकानी की तो वहीं मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाला चपलता का परिचय देते हुए वाहन को रोका गया, जहां ट्रक चालक शिव शक्ति नगर टीपू सुल्तान चौक निवासी 72 वर्षीय चंद्रभूषण व्यास समेत मूल उदयपुर के निवासी 19 वर्षीय जितेंद्र मीना और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। जहां खोजबीन के दौरान विभिन्न कंपनी की प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और टाटा एस वाहन मिलाकर पूरा 6,24,200 रुपए का माल बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान चंद्रभूषण ने बताया कि यह माल उन्होंने शिवशक्ति नगर निवासी मुकेश जैन के पास से लाया है, जिसके बाद मुकेश को भी हिरासत में लिया गया। जहाँ जोन 5 एवं यशोधरा नगर पुलिस के डीपी पटल द्वारा संयुक्त कार्यवाही में मुकेश के इतवारी स्थित दुकान से भी अवैध तंबाकू बरामद किया गया है। देखिए, ये कार्रवाई जो की है वो डीसीपी स्क्वाड ने की है। मेरे ऑफिस का जो स्क्वाड है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कहीं पे ये सुगंधित तंबाकू जो है, जो अपने महाराष्ट्र में बैन है, वो मिक्स करने का, उसको पैकेजिंग करने का और उसको ट्रांसपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करने का ये सब जो नेक्सस है वो चल रहा है। तो उस जो जानकारी है उस पर वर्कआउट करते वक्त हमें ट्रैप लगाने के बाद एक गाड़ी मिली, तो उसकी हमने जांच की तो उसमें ये सुगंधित तंबाकू मिली है। तो फिर वो कहाँ से आई, वहाँ पे हमारी टीम पहुंची, वहाँ पे सारा सर्च लिया, वहाँ का जो मालक था उसको हमने कस्टडी में लिया। फिर उनको पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि इनके एक जगह है इतवारी में, वहाँ पे ये छोटे छोटे मशीन लेके वहाँ पे मिक्सिंग करने का और डब्बे में पैकेजिंग करने का ये इनका सब मशीनरी वगैरह रखा हुआ था। तो हमारी टीम, फिर उसके बाद यशोधरा की डीबी टीम और लकड़गंज की जो टीम है उन्होंने भी इसमें मदद की। फिर हम ये संयुक्त कार्रवाई में वहाँ पे गए और सारा वो वहाँ पे हमने सीज किया और उसको पुलिस स्टेशन में लेके आए हैं। तो अभी तक की कार्रवाई में ऐसा हुआ है कि अराउंड 6,500,000 तक का मुद्देमाल हमने सीज किया है, लेकिन इसमें अभी भी तहकीकात जारी है। इसमें ऐसे संभावना है कि इन्होंने ये जो भी मुद्देमाल है जो सुगंधित तंबाकू का है और कई जगह पे रखा हो सकता है, तो उस दिशा में हमारा अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।